जोरों की तालियां बजनी चाहिए। और ये सभी लड़कियां आज इस जय हिंद क्लब बुढ़ेट के इस ग्राउंड में अपना कला कौशल दिखाएंगे, खेल की स्किल को दिखाएंगे। यहाँ पर कुर्सी दीजिए इन लोगों को, कुर्सी दीजिए। और नेक्स्ट टीम जो आ रही है उन लोगों के लिए भी कुर्सी मुहैया करा दीजिए। यहाँ अभी जेंट्स की जरूरत नहीं है और जगह बहुत सारा है। अगर हमारे कमिटी के भी कोई सदस्य भी है तो आप लोग अभी कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा खड़े रहेंगे। गलत शब्द आलोप प्रयोग जत उड़ा रही आपूरण बीती तक को आपूर मिश्रा तक को मिना को नुकू है आपूरण बीती तक को मिश्रा तक को इसलिए वॉलंटियर्स एक्टिव रहेंगे। आप लोग पहले ही मिसिल बन गई है, इससे ये गोल को डिसलाव कर दिया जाएगा, गोल नहीं माना जाएगा। मोबाइल इसलिए सभी दर्शकों से अनुरोध होगा, खास निवेदन जय हिंद क्लब पेशासा का, अगर आप किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते तो किसी के लिए आप गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये अच्छा लगता है शिखा जी, बतौर के कमेंटेटर आप यहाँ आए भी हैं और यहाँ महिलाएं खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं और लेडीज कमेंटेटर यहाँ अवेलेबल है। इससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता है इस टूर्नामेंट के लिए कि आज लड़कियां क्या कर सकती हैं। शिखा जी, लड़की लोग चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर पहले आप बोल रहे थे ना कि ये लोग लड़के जैसा नहीं खेल पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि लड़के जैसा कैसे नहीं खेल पाएंगे। अब देख रहे हैं अभी नेशनल लेवल पे लड़की लोग खेल रहे हैं जहाँ पे फुटबॉल, जहाँ पे आपको ये बात बोलना ठीक नहीं हुआ है ना। सॉरी जी हाँ। और शिखा जी मैं दानवत आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने बातों को मैं अपना अपने कमेंट को मैं उसको उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और लड़कियां पूरी तरह से सब कुछ कर सकती हैं और निश्चित करें लड़कियों को कमजोर नहीं आंकना होगा। हर क्षेत्र में लड़कियां क्या कर रही हैं आप जानते हैं। इस बार फीफा वर्ल्ड कप का अंडर 17 का जो इस बार भारत की मेजबानी में जो हुआ था और हमारे झारखंड की 6 खिलाड़ी जो सिलेक्ट होकर उसमें भी हमारे बेटी जो अष्टम उराव के अगुवाई में इस बार फीफा वर्ल्ड कप खेल चुकी है। तो लड़कियां क्या कर नहीं सकती है, तेरी उदाहरण है बंगाल आसम जैसे कि डिंग एक्सप्रेस हिमा दास जिस तरीके का फैमिली से वो बिलोंग करती हैं और वो गोल्डन गर्ल के नाम से प्रचलित है। आप देखेगा ओलंपिक में भी कॉमनवेल्थ में लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, अब हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चलाती हैं। और खुशी की बात तो यह है कि हमारे राष्ट्र हमारे भारत वर्ष के जो संवैधानिक पद के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में एक महिला ही इस समय हमारे देश में सर्वोच्च पद पर है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत वर्ष के राष्ट्रपति हैं। तो इससे बड़ा बात हम लोग एक उदाहरण क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम लोग समझ सकते हैं। और खुशी की बात है कि शिखा जी इन सभी लड़कियों को हम लोगों को आगे आने के लिए इन सभी की जो टैलेंट है उनको अड़ी नपाय अड़ी मोजे खेल करा को छोटो होड़ के नेलबोन नी लहा से इतना लहा से चेट होई होगा ना। फर्स्ट हाफ रे नुका दमदार से जोशदार गेम वो नेलना में था जहां एहो एतो हम जहां रे उन्हें मोज तबो ना मुझे ना उन्हें मोज के हुई होता बोना उनको डर को कमजोर हो गया था। ये कहां ये में हार और जीत तो रहते हैं, किसी एक आगे जाएंगे किसी एक टीम हारेंगे, तो हारने के बाद हम लोग नहीं सोचेंगे। दोनों टीम बहुत अच्छे जोश के साथ खेले और दोनों टीम में से जिनका जोश ज्यादा होगा जिनका मुकाबला ज्यादा होगा बहुत दिल से मुकाबला करेगा और अपने कोशिश जारी रखेगा लास्ट मोमेंट तक तो वही टीम आगे आएंगे। देखते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ में कौन सी टीम कितने गोल देते हैं अपने साइड पे। अगर आप गर्मा गर्म बना के लाए हैं तो माफ कीजिएगा बनाए हुए हैं तो रेफरी को एक बार आप चाय पिला देंगे। और
देखना होगा इस मैच में क्या बोरियो की टीम वर्ग से देखा गया था। तो सुबह के चार मैचों में बहुत कम गोल, लेकिन यहां पर बालिका वर्ग से गोलों का शुरुआत हो चुका है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन शॉट यहां पर सेंटर फॉरवर्ड के लिए। अभी भी दुमका टीम के पास ही बॉल पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर उसके बाद अच्छा पास, यहां पर बेहतरीन पास, दूसरी गोल की तरफ बढ़ना चाहेगी दुमका की टीम। एक गोल काफी नहीं होगा उनके लिए। बोरियो की टीम अभी तक कमबैक नहीं कर पाई है। बेहतरीन शॉट यहां पर, शॉट देखने लायक और सही तलाश यहां पर लेफ्ट विंग में हाफ करके रखा गया है। कुछ देर तक यहां पर देखा जा रहा है बोरियो की टीम को, लेकिन अभी बहुत कुछ उम्मीद है बोरियो की टीम से भी। नहीं जाने देंगे अपनी हाफ की तरफ बॉल, टैकल जबरदस्त, लेकिन बॉल पोजीशन है। क्या बॉल को प्ले में रखा जाएगा, लेकिन थ्रोइंग के साथ बॉल पोजीशन रहेगा दुमका के पास। क्लोज रेंज की तरफ वहां पर जाने का प्रयास एक बार फिर से, लेकिन जो एक अच्छा यहां पर मौका बन रहा था दुमका के लिए, एक गोल थे लहा हतार का ना, लेकिन बढ़िया कलेक्शन हुआ था बढ़िया कुरुमुटू की ना। बालिका टीम बोरियो टीम रहे गोलकीपर मौका बना था गोल हिना, लेकिन खिलाड़ी की बात नेक्स्ट मैच के जो टीम के प्लेयर्स हैं, हल्दीबारी डीएस महाकाल कुच बिहार और बालिका टीम पाकुड़। टीम के प्लेयर्स कृपया करके नीचे उतरिए, आप ही यहाँ आप लोग तब तक वार्म अप कीजिए। जिस तरह से यहाँ ठंडी जिस तरह से बढ़ रही है, थोड़ा सा आप लोग अगर मूवमेंट करते रहिएगा, थोड़ा सा वार्म अप कीजिएगा, तो आप लोग का बॉडी जो है वहाँ हीट होगा। और क्या ये गोल होगा कि नहीं, दुमका की टीम अच्छा दबाव बनाई थी वहां बोरियो के ऊपर। कोलकाता वेस्ट बंगाल की टीम, कल चार नए टीम को हम लोग देख पाएंगे। इसी तरह ने शानदार शॉट लगाया खोज और दो गोल से दुबा मैच रहे लीड तुल। शानदार गोल यहाँ पर, और जो ठंडक पड़ रहा था उसमें फिर से बार गर्माहट आ गया है, लेकिन ज्यादातर हार करके रखा जा रहा है इस मैच में यहाँ पर बोरियो की टीम को। बहुत ही बढ़िया, दोनों टीम का शानदार गेम अभी तक देख रहे हैं, लेकिन शानदार दोनों टीम खेलने के बावजूद दुमका उससे पहले ऊपर कितने हावी होते हैं, या फिर दुमका बोरियो के ऊपर हावी पड़ जाए। शॉट देखिए यहाँ पर, आप दंग रह जाएंगे, लेकिन इस बार टारगेट में नहीं, ऑफ टारगेट। दोस्त होंगी यहाँ, उसके बाद वापसी करने के लिए जो रणनीति बनाएगी। शॉट सिक्स यार्ड बॉक्स के अंदर में, और एक गोल, माफ कीजिएगा चिराज थोड़ा गान नियल दाने तो रियार हॉडी जस्ती बढ़ाओ दी के ना, और होगा शेष टीम आर हो मीठे गाती हुई आपका चिराज शेड्यूल रे बिना खाए तो गाती हुई गया चिराज अनिया तलार आर हो खतरनाक शॉट नोडे मंजुला और नवाल का टीम रियाद वादो थर्ड गोल। म्यूजिक बजा दीजिए अभी। एफसी दुमका 3-0 की बढ़त बना चुकी है और रही है इस मुकाबले में। मेरी नोडे मंजुला लगी हैट्रिक के पूरा लिखा है 500 नोडे जमा हो गया, तुम बोलता है पैसा जमा हो गया ना, पैसा जमा हो चुका है, गोल आना बाकी है। अच्छा नई दो अजनबी गया है, मैं दाई चिकुम नाई ने तुम नाल परोड़ा बन खान 500 ने मुआ या नई अगर गोल है कन खाए चले ठीक है, जरूरी भी है और थोड़ा सा समय शेष है। मुझे लगता है इस फर्स्ट हाफ में लगभग जो रेगुलेशन टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, कभी भी मैच का जो हाफ टाइम का इस तरह हो जाएगा। और जी हाँ फर्स्ट हाफ बहुत खुशी की बात है हमारे बीच। हाँ
एक हो गया है वहाँ, करवा दीजिए ना, करवा दीजिए, वो सब वीडियो सब अपलोड करेगा, वो वहाँ गया हुआ है। ऑपरेटर के पास चले जाइए, ऑपरेटर पे हेल ना गोके टाटा को एक्विपमेंट हेल ना नोडे गुड़ा सुंगे जपाम बेन सीधा जे नोते कोई हो बाकू पढ़ाएगा को आप नोडे आबू तलारे नोडे को है कि ना कुसी दिया कथा कदम महाकाल हल्दीबारी की टीम का यहाँ रिपोर्टिंग हो चुका है, हल्दीबारी टीम का रिपोर्टिंग हो चुका है और पाकुड़ के टीम खिलाड़ी सूची आप लोग जमा कर लीजिए। हल्दीबारी टीम के टीम मैनेजर, आपने एक फॉर्मेट जमा कर दिया, यहाँ मैच कमिश्नर के पास आप जमा कीजिए ना, एक यहाँ ऑफिशियल्स के बीच पास जमा होगा, दो प्रति दिया गया है ना, पास पास, अच्छा ठीक, पांच नंबर जर्सी हरौता खिलाड़ी उनका तो पर्याय गोल का पीआरएन बरिया तो उनिया गोल का नाम मंजुला उन्हें आया हैट्रिक के पूर्व पास से बंग और नोडे ऑफ साइड रिया प्लेग पसमना ओका को बॉल रिया जरूरी बनु खाए उना तो दया के नोडे पे गुता बन अब यहाँ इस मैच में जो पहला गोल दागी थी मेरी नीला एक अच्छा मौका बनता हुआ दुमका की टीम हेलो जी तो दुमका के और सीम मेरी लेना सोरेन हैट्रिक मारने का इसके पास बहुत अच्छा चांस है और उसके खेल को देख के एक ऑडियंस ने प्रभावित होकर के 500 रुपये मेरे पास जमा किया है उन्होंने और देखना होगा क्या उनको मिडफील्डर उसको क्या किस तरह से असिस्ट करते हैं अगर यहाँ पर हैट्रिक लगाते हैं तो बालिका वर्ग से ये पहले खिलाड़ी बन जाएगी हैट्रिक लगाने वाले। दुमका के पास चांस भी है क्योंकि बहुत अच्छी गति है उनके टीम के खिलाड़ियों के पास, अच्छे लय में अच्छे पासेस खेलते हैं, लॉन्ग बॉल अच्छे खेलते हैं, रिसीविंग बेहतर है उन टीम के खिलाड़ियों का, शॉट बहुत बेहतरीन लगाते हैं, ये खासियत है क्योंकि ज्यादा सेकेंड हाफ में भी देखें तो बालिका टीम बोरियो को हाफ करके रखा गया है। ये टूर्नामेंट है, एक टीम जीत के आगे आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा जो टीम है जो अभी तक गोल नहीं दिया है बोरियो टीम उसके पॉकेट में एक भी गोल ना आए, ये ठीक नहीं है। दोनों टीम का जो कोशिश है, जो मेहनत आप लोग किए हैं तो मेहनत हम लोग को यहाँ फील्ड में भी दिखना चाहिए क्योंकि आप लोग जो कुछ ही क्षण बचे हुए हैं उस क्षण का बहुत मेहनत करेंगे उसी क्षण में और इस समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल करके आगे आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस मैच में ज्यादा समय है नहीं और तीन गोल वापस करना किसी टीम के लिए उतना आसान नहीं है ये काम करना देखना होगा। एक यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तैयारी चल रही है सब सिचुएशन करने के लिए बालिका टीम बोरियो की ओर से संतुलन खोया है और चौथी गोल की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है दुमका की टीम। अगला मैच बहुत ही जोशीला होगा कुछ बिहार और पाकुड़ के बीच में, शायद बुरियों के लिए दुमका से आगे जाना बहुत मुश्किल है लेकिन नामों
मुमकिन भी नहीं है क्योंकि और यहाँ पर बालिका और बहुत अपना शॉट यहाँ पर दया करते हैं गीता टोला रेन मुंशी मरंडी आबू रेन अध्यक्ष महोदय गमालियल जी उन्हीं आज नहीं नहीं हाँ उना उनका रिलेटिव रहे मामा मम्मी उनकी नाम की सिंदराय मिया गीता टोला रेन मुंशी मरंडी दया कहते हैं कल मेन स्टेज जो कहते बिना कुमुन दूर बैक वा उन्हें उसे रचना पे अड़ी उसे रचना पे उन्हें इनाम को किन कोई और रहे बिना बिना ओए कैमरा में रियल और नुमा में सब लेके जाइए ना दौड़ के जाइए सब लेके जाइए चलिए कुछ मिनट के लिए चलो चलो आप और और मैच रेफरी के ऊपर सभी की निगाह है मुझे लगता है कि यहाँ और देखना है मैच रेफरी कब तक इस मुकाबले का जो अंतिम सीढ़ी और इसी के साथ हो गया है और दुमका की टीम तीन